Hello and welcome to JK Civil Services. And this is a one-shot video on Environment, Ecology, and Biodiversity. And in this one-shot video, I will try to cover all of your static important static part as well as current part. So let's start with the first topic, and that's Ramsar sites. So रामसर कन्वेंशन जो है रामसर कन्वेंशन लाई गई थी किसके लिए वेटलैंड्स के लिए और ये अडॉप्ट किया गया था 1971 सेवेंटी वन कहाँ पर एडॉप्ट किया गया था ईरान के एक शहर में जिसे हम रामसर कहते हैं और रामसर कन्वेंशन को क्यों लाया गया था <coughs> रामसर कन्वेंशन को लाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्वेटिंग एंड वेटलैंड इकोसिस्टम्स सिस्टम्स क्योंकि ये आपका एक्वाटिंग एंड वेटलैंड इकोसिस्टम सिस्टम जो है ये आपका कार्बन सिंक एक्ट करता है ठीक है क्या करता है एक्ट एज अ कार्बन सिंक अगर हम अब रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो रामसर कन्वेंशन को इंडिया में कब लाया गया था फर्स्ट फेबरवरी नाइनटीन में और दोज वेटलैंड वो सब वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है उनको हम डिक्लेयर करते हैं एज रामसर साइज वो सब वेटलैंड जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है उनको हम डिक्लेयर क्या करते हैं एज रामसर साइज और रामसर कन्वेंशन के अंदर ही एक रिकॉर्ड है जिसके हम मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड भी बोलते हैं और इस मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर वो सब वैटलैंड होती है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है ठीक है अगर हम बात करेंगे एट प्रेजेंट प्रजेंट आर टू वैटलैंड ऑफ इंडिया जो कि किस में मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के अंदर है एक तो क्योलाडियो नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और लोकतक लेक जो मणिपुर में है इन दो से पहले और एक वेटलैंड था जिसे हम चिलिका लेक बोलते हैं जो ओडिशा में है और चिलिका लेक में भी चिलिका लेक भी मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड के अंदर था बट लेटर ऑन

अलेवन जो राम सर है रिसेंटली ऐड करी गई थी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट लास्ट मंथ ही ऐड करी गई थी और अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रामसर सर साइज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है कितनी रामसर सर साइज जम्मू एंड कश्मीर में पांच रामसर साइज है जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखेंगे कौन कौन सी है सूरंदर मानसर है जम्मू में होकर सर है वलर है शालबुक है और हाईगाम है अगर हम शालबुक और हाईगाम की बात करेंगे शालबुक और हाईगाम को रिसेंटली एड किया गया था एज़ अ राम सर सो द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट ना आर फाइव और अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ राम साइस इन लद्दाख कितनी है सो द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइस इन लद्दाख आर कितनी है लद्दाख में दो राम सर साइज है कौन कौन सी है एक तो सो है और दूसरी सो मुरारी है ठीक है <coughs> देखिए अलेवन न्यू रामसर साइट इन इंडिया कौन कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व श्रीनगर जे के और हाईगाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व बारामूला डिस्ट्रिक्ट जे के अगर आपसे पूछा गया जाएगा कि इंडिया में कितनी राम साथ साथ से साहित प्रेजेंट सेवेंटी फाइव कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में कितनी है पाँच है और अगर आपसे पूछा जाएगा लद्दाख में कितनी है लद्दाख में दो है कौन कौन सी है सोकर और सो मुरारी <coughs> देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है क्लाइमेट चेंज फीडबैक लूप सिस्टम ऑफ द अर्थ के बारे में है अगर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज फीडबैक लूप सिस्टम अर्थ का क्या होता है ये वो प्रोसेस होते हैं जो आपका इंक्रीज़ या डिमिनिश करता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट फोर्सिंग्स और ये क्लाइमेट फोर्सिंग्स क्या है ये वो इनिशियल ड्राइवर्स है आपके क्लाइमेट के जो आपके क्लाइमेट मॉडिफाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दैट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती है लाइक ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कौन सा आता है क्लोरोफ्लोर कार्बनस आते हैं मीथेन आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है एयरबोन पार्टिकल्स लाइक डस्ट स्मोक आता है और ये जो है ये कहाँ से आते हैं ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल सोर्सेज एंड इम्पैक्ट की वजह से आता है और जो ये आपका क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट चेंज फीडबैक लूप है इसमें जो क्लाइमेट फोर्सिंग्स है आपका जो है ये वो प्रोसेस है जो आपको जो आपका जो क्लाइमेट है इंक्रीज एम्प्लीफाई या डिमिनिश करते हैं अगर हम बात करें देखेंगे कि क्लाइमेट फीडबैक लूप सिस्टम में आता क्या है इसमें पॉजिटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक है अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक वो सब प्रोसेस है जो आपका सपोर्ट करता है क्लाइमेट चेंज लाइक दैट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अगर हम आपका ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट कौन करता है लाइक दैट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन ठीक है डिफॉरस्टेशन अगर होगा वो आपका ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है या क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करता है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक वो सब प्रोसेस है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग स्टॉप करता है और नेगेटिव फीडबैक में क्या क्या आता है लाइक दैट ऑफ क्लाउड्स है प्रिसिप्टेसन है ठीक है आपके फॉरेस्ट्स है आपके वेटलैंड्स है क्योंकि आपके फॉरेस्ट और आपके वेटलैंड क्या है इनको कार्बन सिंक माना जाता है और यह आपका क्या है ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करता है और ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट स्टॉप uh, करता है और उन पॉजिटिव फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक में कहता है वो ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करते हैं या क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करते हैं और नेगेटिव फीडबैक में क्या है वो ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करते हैं ठीक है थीके? अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दो लेंगे एक तो एग्जाम्पल लेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक की पहले लेंगे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे परमाफॉस परमाफॉस क्या होता है जब वाटर प्रेजेंट होता है किस में आइस फॉर्म में उसको हम परमाफॉस बोलते हैं द थाविंग ऑफ द परमाफॉस इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम और ये थाउविंग क्या होता है थाउविंग क्या होता है ये वो प्रोसेस है जब आइस से सिनो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है जब हमारा क्लाइमेट जो वार्म अप होता है और ये जो थांग ऑफ द परमाफॉस है या आपको सपोर्ट करता है क्या क्लाइमेट चेंज को इसीलिए थाउविंग ऑफ द पर्माफॉस को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक अगर हम दूसरी बात डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे डेजर्टिफिकेशन क्या होता है डेजर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं होता कि आपका जो एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट होता है नहीं डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारा जो लैंड होता है डिग्रेड होता है डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड होता है फॉर एग्जांपल अगर हमारे लैंड फर्टाइल है हमारे लैंड में अच्छा फ्लोरा एंड फोना था तो जो हमारे लैंड में उसका फ्लोरा है या उसका फोना है वो डिग्रेड होता है किसका हमारे लैंड का और जो हमारा फर्टाइल लैंड है वो किस में चेंज होता है एरिड या सेमी एरिड में चेंज होता है और उसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हो और जो ये डेजर्टिफिकेशन है ये डेजर्टिफिकेशन भी क्या है आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑफ द अर्थ सिस्टम है ठीक है क्या है डेजर्टिफिकेशन लाइक दैट अ था ऑफ द पर्माफॉस ये सब सपोर्ट करते हैं किसको क्लाइमेट चेंज को और एक टॉपिक जो है वो है एटमोसफियर एरोसॉल एरोसॉल्स क्या होते हैं ये जो आपके माइन्यूट छोटे छोटे सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंड होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में उनको हम एरोसॉल्स कहते हैं दीज आर माइन्यूट सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंड इन द एटमॉस्फेयर एंड दीज सॉलिड एंड लिक्विड माइन्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज एरोसॉल अगर हम बात करेंगे एरोसॉल्स का एरोसॉल जो है वो आपका कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में मगर आप देखिएगा हर एक कोई किस्म हर किस्म का एरोसॉल आपके एटमॉसफियर में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है अगर हम देखेंगे एक है ब्लैक कार्बन अगर हम ब्लैक कार्बन को देखेंगे ब्लैक कार्बन जो है ये आपके एटमोसफियर में हीटिंग इफेक्ट करता है और इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो है आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है और इस ब्लैक uh, कार्बन को भी हम बोल सकते हैं क्या इट्स अ पॉजिटिव फीड बैक लूप सिस्टम ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ठीक है और ये जो एरोसॉज है ये एड करते हैं इन द फॉर्मेशन पोलर स्टेटोस्फियर क्लाउड्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो पोलर स्टेटोसफियर क्लाउड्स है ये अपर लेयर में आते हैं और अपर लेयर में किस जगह स्टेटोसफियर में और आपके स्टेटोस्फियर में क्या है ओजोन है क्या है ओजोन है और ये जो पोलर स्टेटोस्फियर क्लाउड्स है एक सरफेस क्रिएट करता है ओजोन के लिए और आपका जो ओजोन है वो डिप्लीट होता है बिकॉज ऑफ सो पोलर स्टेटोस्फियर क्लाउड्स और अगर आप देखोगे एंटार्टिका और आर्टिक में जो है मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है दैट्स बिकॉज ऑफ द पोलर पोलर स्टेटोस्फियरिक क्लाउड्स ठीक है अब कुछ हम जानते हैं इकोलॉजिकल नीश के बारे में ठीक है नीश नीश एरियाज़ वेयर स्पेशीज़ बिलोंग टू एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे स्पीशीज़ बिलोंग करता है उसको हम नीश कहते हैं और ये जो नीच है हर एक अपनी हर एक स्पेशीज़ का अलग अलग नीश होता है स्पीशीज़ नीश इज़ ऑल ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड इंटर स्पेशीज़ रिलेशन दैट इन्फ्लुएंस द स्पीशीज़ वो इंटर स्पीशीज़ रिलेशन होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है स्पेशीज़ इसका मतलब ये है कि हर एक जो आइडियल नीश है उसका हर एक नीच है उसका अपना आइडियल प्रिसिप्टन है आइडियल टेम्परेचर है आइडियल वेजिटेशन होता है इसका मतलब है हर एक स्पेशीज़ का क्या होता है अपना आइडियल टेम्परेचर आइडियल प्रेसिपिटेशन और आइडियल वेजिटेशन होता है अगर हम नीच की बात करेंगे नीच क्या होता है एयर यूनिक फंक्शनल रोल होता है और किसकी किसके लिए एक यूनिक फंक्शन रोल होता है एक हर एक स्पीशीज के लिए उसके इकोसिस्टम में और अगर हम देखेंगे जो ये नीश है ये बायोलॉजिकल फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स दैट आर स्पेश नीड टू सर्वाइव और उसको स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए और हर एक स्पीशीज का अपना अलग अलग नीच होता है ए नीश इज़ यूनिक फॉर एवरी स्पीशीज़ ठीक है दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट यह है कि स्पेशीज दैट नैरो और लिमिटेड नीच आर कंसिडर टू बी एस स्पेशलिस्ट स्पेशज वो सब स्पेशीज जिनका लिमिटेड होता है या नैरो नीच होता है उनको हम स्पेशलिस्ट स्पेशज कहते हैं अगर हम स्पेशल स्पीशीज की बात करेंगे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा कोला बियर की क्या कोला बियर ये जो कोला बियर है ये सर्वाइव करता है किस पे बैम्बो लीव्स पे किस पे सर्वाइव करता है बैम्बो लीव्स पे इस मीन्स दैट दे स्पेशीज ऑफ लाइक दैट ऑफ कोला बियर उसका अपना लिमिट नीश है और वो लिमिट नीश जो है वो सिर्फ सर्वाइव करता है किस पे बैम्बो लीव्स पे ठीक है तीसरा पॉइंट नो टू स्पीशीज़ कैन हैव द एग्जैक्ट सेम नीश अगर दो स्पीशीज़ होगी उनको सेम नीश नहीं हो सकता क्योंकि हर एक स्पीशीज़ का अलग अपना प्रसिप्टेसन अलग अपना वेजिटेशन और अपना, अलग अपना टेम्परेचर होता है सो नो टू स्पीशीज़ कैन हैव द एग्जैक्ट सेम नीश और अगर हम चौथा पॉइंट देखेंगे नॉलेज ऑफ नीशेज़ कैन हेल्प

कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसे हम इकोटोन्स कहते हैं इकोटोन्स क्या होता है ये एरिया होता है ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन टू इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ और इको सिस्टम्स देखिए अगर आपका यहाँ पे एको सिस्टम वन है और यहाँ आपका इको सिस्टम टू है और इको सिस्टम वन आपका लैंड एको सिस्टम है और यहाँ पे एक्वाटिक इको सिस्टम है तो ये जो लैंड और एक्वाटिक इको सिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन होता है इसको हम इकोटोन कहते हैं क्योंकि ये जोन ऑफ जंक्शन होता है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। अगर हम बात करेंगे मैंग्रो इकोसिस्टम की और एक्वाटिक uh, uh, अगर हम बात करेंगे मैंग्रोव मैंग्रोव फॉरेस्ट की वो रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम कौन सा इकोसिस्टम करता है वो इकोटोन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मरीन एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स अगर हम ट्रांजिशन uh, एरिया करेंगे बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन की और जो ये इकोटोन है ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन इन द लिविंग सिस्टम्स फ्रॉम वन इको सिस्टम टू अनदर इको सिस्टम एक तो इसमें फिजिकल ट्रांजेक्शन होती है और इसमें क्या होता है ट्रांजेक्शन इन द लिविंग सिस्टम जो ट्रांजेक्शन एक लिविंग सिस्टम में होती है फ्रॉम वन इको सिस्टम तो कहाँ पे होती है में. और जो इकोटो है बट के, 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 के यह होती है जून और अपॉर्चुनिटी फॉर एज ऑर्गेनिज्म और जिन्हें हम एज स्पीशीज भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको एज स्पीशीज बोलते हैं ठीक है थीके? अब जो दूसरा टॉपिक है वो है बायोम्स के बारे में बायोम्स क्या होते हैं दीज आर फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन वेर आर स्पेशीज देवल, वो फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन जहां पे स्पेशीज डेवलप होता है और उस स्पीशीज को अपना डेफिनेट सेट ऑफ क्लाइमेट होता है और फिजिकल सेट ऑफ अप अपनी डेफिनेट कंडीशन होती है और उनको हम बायोम्स कहते हैं नो टू बायोम्स आर अलाइक ठीक है अगर हम देखेंगे दे आर सेवन मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स कौन कौन से सेवन मेजर टाइप्स ऑफ बायोम्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है टेम्पेड फॉरेस्ट है डेजर्ट है टाइम टाइगा, ग्रास लैंड एंड सवाना टाइप्स ऑफ मेजर हम एचूरीज और मैंग्रोव की बात करेंगे बट दीज आर इको सिस्टम ठीक है वट आर एचुरीज एंड मैंगज आर इको सिस्टम बट नॉट बायोम्स। देखिए अब कुछ जानते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इन इंडिया और ट्रॉपिकल डिस्टिडियस वेजिटेशन इन इंडिया अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इन इंडिया की बात करेंगे यहां पर हमेशा जो रेनफॉल है वो रेनफॉल कितना होना चाहिए ग्रेटर देन टू सेंटीमीटर और जो ये रेनफॉल है ये आपको पूछा जाएगा पूछा जा सकता है द रेनफॉल रुकवायड फॉर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इन इंडिया इज टू सेंटीमीटर और जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन है ये कहाँ के फाउंड की जाती है वेस्टर्न गार्ड्स में फाउंड की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फाउंड की जाती है और अरुणाचल ंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स में फाउंड की जाती है अगर आप देखोगे वेस्टर्न गार्ड्स वेस्टर्न गार्ड्स में कितनी स्टेट्स आती है छह स्टेट्स आती है कौन कौन सी आती है गुजरात आती है महाराष्ट्र आती है गोवा आती है कर्नाटका आती है केरला आती है और तमिलनाडु आती है आपके वेस्टर्न गार्ड्स में और इन दो इन सिक्स छः स्टीज़ में वेस्टर्न गार्ड्स में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में और एंडोमान निकोबर आइलैंड में आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इन इंडिया जो है फाउंड करी जाती है और अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे ट्रॉपिकल डेस्यूडियस फॉरेस्ट के बारे में और ये ट्रॉपिकल डेस्यूडियस जो है ये वाइट सेपरेट फॉरेस्ट इंडिया में है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से इंडिया में वो है ट्रॉपिकल डेस्यूडियस कौन से है ट्रॉपिकल डेस्यूडियस और अगर आपको पता होगा कि इसके बारे में ट्रॉपिकल इनके लिए रेनफॉल हो, होना, होना चाहिए और इन की क्या होती है, हाई 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 होती है इनका कैनोपी कवर ऑफ ट्री लाइक like, कैनोपी कवर ऑफ इज़ लाइक दिस इनके ट्रीज ऐसे होते हैं ठीक है और इनका जो है नो सनलाइट टू वर्स अ ग्राउंड और कभी कभार ऐसा क्या होता है जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचते बिकॉज हाइट ऑफ द ट्रीज इज लार्ज एंड बिकॉज ऑफ द कैनोपी कवर ऑफ ट्री बाउट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अब बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में देखिए, बायो क्या होता है लाइफ और जियो क्या होता है एटमॉस्फेयर। और ये बायोजियोकेमिकल साइकिल से होता क्या है यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है देखिए इन द बायो जियो केमिकल साइकिल ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स एंड एनर्जी एमंग बायोटिक एंड एबायोटिक पूल्स इज डोमिनेट बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बायो जियो केमिकल साइकल्स में जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ़ मटीरियल होता है और एनर्जी फ्लो होता है इन बायोटिक एंड एबायोटिक पूल्स वो किससे किसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डोमिनेट कौन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अगर हम बात करेंगे जो गैसेस साइकिल होती है और सेडिमेट्री साइकिल होते हैं अगर हम बात करेंगे जो गैसेस साइकिल होते हैं बायो जियो केमिकल साइकल्स में से वो ज़्यादा रैपिड होते हैं देन द दे सेडीमेट्री साइक अगर हम गैसिस साइकिल्स की बात करें गैसिस साइकिल्स में कौन कौन सा है? आता है ऑक्सीजन साइकिल आता है नाइट्रोजन साइकिल आता है और वाटर साइकिल आता है और अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल्स की बात करें तो सेडिमेंट्री साइकिल्स में कौन कौन सा है? आता है सल्फर साइकिल आता है फास्फोरस साइकिल आता है और रॉक साइकिल हमारा आता है और हमेशा याद रखिएगा जो आपका गैसिस साइकिल है वो टेंड करता है टू बी मोर रैपिड देन द सेडिमेंट्री साइकिल्स ठीक है अब जानते हैं फॉलोइंग द रिस्पॉन्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द अर्थ अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बात करेंगे और दे प्रोवाइड द मेजर न्यूट्रंस टू द अर्थ और कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट्स हमारे यहाँ पे होते हैं बहुत सारे हैं और अगर हम बात लेंगे एग्जाम्पल लेंगे कौन कौन सा होता है लाइक ब्लू ग्रीन एलगे होता है लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन होती है राइजोबियम की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है अगर हमारा देखेंगे एक्टो एक्रो लाइक सीडोमोनास है वो डीनाइट्राफाइंग होता है एक्रोमोबैक्टर जो है वो भी डी होता है और अगर हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे है लाइटिंग है और राइजोबियम है तो हमारा क्या है नाइट्रीफाइंग एजेंट्स हमारा होता है ठीक है अगर हम बात करेंगे अब यूट्राफिकेशन की यूट्रोफिकेशन क्या होता है जब हमारे पास हमारे इको एक, सिस्टम में एक्वाटिक न्यूट्रंस होते हैं कहाँ पे हमारे एक्वाटिक इको सिस्टम में और किन की वजह से होता है एक्सेस न्यूट्रंस वहाँ पे ब्लू -ग्री ग्रीन एल्गे होता है और उन ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से वहाँ पे हो क्या होता है वहाँ पे एल्गल ब्लूम होता है और उसकी वजह से जो हमारा एक्वाटिक उसमें होता है एक्वाटिक इको सिस्टम क्रिएट होते हैं डेड जोन्स क्रिएट होते हैं सो क्वेश्चन यहाँ पे है यूट्रोफिकेशन इज़ अ सीरियस वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डेड जोन विच आर द फॉलोइंग आर रेमीडियल मेजर्स टू टैकल एट अगर हम देखेंगे इनमें रिमेडियल मेजर्स कौन से जो यूट्राफिकेशन को टैकल कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है कौन कौन सा है मैनिपुलेशन ठीक है मैनिपुलेशन होता क्या है जब ट्रीट हम एल्गल ब्लूम को करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन माइक्रोब्स और वो माइक्रोब्स उन एल्गम ब्लूम को कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है रिडक्शन इन द न्यूट्रंस और दैट्स व्हाट वी कॉल इज बायो मैनिपुलेशन एंड दूसरा क्या होता है एरेशन एरेशन की वजह से क्या होता है हम क्या करते हैं हम प्रोवाइड ऑक्सीजन करते हैं टू दीज डेड जोन्स और उसकी वजह से जब डेड जोन्स क्या होते हैं वो एक्टिव बनते हैं और एक्टिव जोन्स की वजह से हमारी जो यूटिफिकेशन है वो कम होती है सो दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर हम इंटरनल लोडिंग की बात करेंगे इंटरलोडिंग की वजह से क्या है इट मीन्स डट व एनरिचिंग विद मोर मिनरल्स और अगर हम मोर मिनरल्स वहाँ पे एनरिच करेंगे उसकी वजह से क्या है? होता है यूट्रोफिकेशन इंक्रीज होता है ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अगर क्रिएट हम करेंगे एनॉक्सिक जोन्स अगर हम एनॉक्सिक जोन्स क्रिएट करेंगे जोन्स विच आर डिवॉर्ड ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है वहाँ पर क्या होगा वहां पर और डेड जोन्स बनेंगे और उस डेड जोन्स की वजह से यूट्रोफिकेशन ज़्यादा होगी सो द करेक्ट आंसर इज हेयर वन एंड टू दैट मैनिपुलेशन एंड एरेशन हेल्प इन द रेमिडियल मेजर्स टू टैकल द यूट्रोफिकेशन ठीक है देखिए अगर हम बात करेंगे मार्करी पोलूशन की रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू द मार्करी पोलूशन अगर हम बात करेंगे मार्करी पोलूशन की या मार्करी पॉइजनिंग की इनसे एक डिजीज़ होता है जिसका हम बोलते हैं मीना माटा क्या बोलते हैं मीना माटा और ये मीना माटा डिजीज किससे होता है मरकरी पोलूशन से और कहाँ पे आई थी पहले ये मीना माटा डिलीज डिजीज पॉइजनिंग की वजह से कहाँ पर होता ये जापान में हुआ था और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर द मरकरी पोलूशन और पहला हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट दिस इज़ इस टू इसकी वजह से मरकरी पोलूशन होता है वेस्ट इन हॉस्पिटल उसकी वजह से मरकरी पोलूशन होता है इरप्शन की वजह से होता है बायोमास बर्निंग की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से मरकरी पोलूशन होता है जैसे लाइक दैट ऑफ स्फेगमोमैनोमीटर जहाँ पर मरकरी प्रेजेंट होता है और अनदर देर आर अनदर रीजन एंड बिकॉज दीज फाइव आर द मेजर रीजन जिसकी वजह से मारकरी पोलूशन या मार्करी पॉइजनिंग होता है ठीक है देखिए हमारे एस एस बी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द डिजीज अगर हम बात करेंगे पहले एक और डिजीज़ की पहले एक डिजीज़ की जिसको हम ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं और ये ब्लैक लंग डिजीज किससे होता है ये होता है कोल्ड डस्ट की वजह से और ये कोल्ड माइंस में होता है कोल्ड डस्ट की वजह से होता है हमारा ब्लैक लंग डिजीज़ और इसमें क्या होता है और इस ब्लैक लंग डिजीज़ में हमारा जो है रेस्परेटरी रेस्परेटरी प्रॉब्लम होती है ठीक है किसकी वजह से ब्लैक लंग डिजीज की वजह से अगर दूसरा डिजीज़ है ब्लैक बेबी सिंड्रोम ब्लैक बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है नाइट्रेट पोल्यूशन की वजह से होता है और ब्लैक बेबी सिंड्रोम में क्या होता है आपका जो बॉडी है वो टर्न करता है ब्लू क्यों बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तीसरा है ब्लैक फुट डिजीज़ और ब्लैक डिजीज ये ब्लैक फुट डिजीज़ हो ये किसकी वजह से होता है आर्सनिक की वजह से और चौथा जो, जो है टाइटाई इटाईटाई बोलिए या टाइटाई बोलती बोलिए ये किसकी वजह से होता है ये कैडमियम की वजह से होता है और जो टाइटाई की वजह से होता है ये कहाँ पे पहले आया था ये जापान में पहले आया था और टाइटाई किसकी वजह से होता है कैडमियम की वजह से और टाइटाई में जो आपकी बोन्स और जॉइंट्स है वो आपकी स्ट्रेस्ड बनती है किसकी वजह से टाइटाई की वजह से सो दीज आर द कॉजिंग सबस्टेंसेस एंड डिजीजेस ठीक है जैसे कोल्डस ब्लैक लंग डिजीज नाइट्रेट पोलूशन ब्लू बेबी सिंड्रोम आर्सेनिक, ब्लैक फूड डिजीज और कैडमियम टाइटाई ठीक है देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सेक्शन क्या होता है जब भी प्राइमरी सक्सेशन होता है वो ऑलवेज बिगिन करता है कहाँ पर सर्फेस पर और बैरन लैंड पे ठीक है क्या प्रायमरी सेक्शन सक्सेशन और वेयर एज द सेकेंडरी सक्सेशन बिगन एन एनवारेंट दट ऑलरेडी पॉजिट सॉयल और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो कहाँ पर होता है उस अनवायरमेंट है जहाँ पर ऑलरेडी पॉजिट सॉइल होता है वहाँ पर ऑलरेडी ग्रासेज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं आपका फायरवुड होता है वहाँ पर क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन और जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो अब हमेशा किस पे होता है बैरन लैंड पे होता है जो हार्डवुड स्पीशीज लाइक ओक है या एग्जांपल किसकी है क्लाइमे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है वहां पे जब पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जब बैलेंस में होता है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं और तीसरा स्टेटमेंट इन सेकेंडरी सक्सेशन द पाइनियर स्पीशीज आर प्लांट्स सच एज ग्रासिस और फायरवुड और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें जो पाइनियर प्लांट्स होते हैं पाइनियर स्पीशीज होते हैं वो कौन से होते हैं प्लांट होते हैं सचेज कौन कौन से होते हैं ग्रासेस और फायरब्रिड होता है ठीक है दिस ऑल अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर हम बात करेंगे अब मैंग्रो इकोसिस्टम की मैंग्रो इकोसिस्टम की थ्रेट्स कौन कौन सी हो सकती है ठीक है मैंग्रो इकोसिस्टम जो मैग्रोव्स है उनके जो लीव्स है वो कौन से होते हैं साल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं किसके मैंग्रो लीव्स क्या होते हैं साल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड और ये मैंग्रो इको सिस्टम क्या होता है आपको करता है एज अ सर्व ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको एज अ सर्व करता है अगर हम देखेंगे आप थ्रेट्स जीज मैग्रोव जीज वेट लैंड आर वेरी मच ऑफ ऑफ इंपॉर्टेंस टो आर एटमोसफियर एंड टो आर क्लाइमेट बिकॉज ये क्या काम करते हैं ये कार्बन सिंह का काम करते हैं फार्मिंग आपका जो आपका ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बहुत सारी चीज़ें जनरेट करता है क्या हमारा मैंग्रो सिस्टम या वेटलैंड इकोसिस्टम ठीक है और हमारे जो वेटलैंड इकोसिस्टम एको इकोसिस्टम की थ्रेट्स का है इनकी थ्रेट्स क्या क्या है अगर राइज इन सी लेवल होगा चाहे तो राइज इन सी लेवल की वजह से हमारा मैग्रो सिस्टम को थ्रेट हो सकता है शिम फार्मिंग हो गए अगर शिम फार्मिंग की वजह से चैनल्स डग की जाए और उसको वाटर वहाँ से फ्लो किया जाए उसकी वजह से भी हमारा मैग्रोव एको सिस्टम डिक्रीज़ हो सकता है और अगर एग्रीकल्चर की वजह से जाए लाइक दैट ऑफ जूम कल्टिवेशन अगर हो एग्रीकल्चर ज़्यादा हो उसकी वजह से हमारा मैंग्रो इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ सकता है और अगर चारकोल और लंबर इंडस्ट्रीज हो वुड कटिंग इंडस्ट्रीज हो उनकी वजह से भी हमारा जो है मैंग्रो इकोसिस्टम पे थ्रेट हो सकता है और वाटर लॉगिंग की वजह से भी इकोसिस्टम पे मैंग्रो इकोसिस्टम पे थ्रेट हो सकते हैं है। अगर हम देखेंगे 1980 से 1980 से 2000 तक जो 35% जो है मैंग्रो वेजिटेशन है बीन लॉस्ट इन इंडिया कहाँ से बीस सालों में कितना थर्टी फाइव परसेंट ऑफ मैंग्रो सिस्टम जो वेजिटेशन है वो लॉस हुआ कहाँ इंडिया में कब कहाँ से नाइनटीन एटी सेल टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड तक ठीक है किसकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज इफेक्ट्स एंड दीज थ्रेट्स अगर हम बात करेंगे अब कोलर कोरल ब्लीचिंग की कोरल ब्लीचिंग की बात करेंगे उसके काजेज़ क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबल अगर डिक्लाइन होगा कोरल ब्लीचिंग में काजेज रेस्पॉसिबल और कोलर कोरल ब्लीचिंग कौन कौन सी कॉजेज तो अगर चेंज होगा ओशन टेम्परेचर अगर आपका ओशनिक टेम्परेचर चेंज होगा उसकी वजह से आपकी कोरल ब्लीचिंग होगी बिकॉज रन ऑफ वाटर एंड पुलूशन अगर होगा पुलूशन की वजह से आपका कोरल बिकॉज दे लिव इन क्लियर वाटर कौन कोलर ब्लीचिंग ठीक है कोलर कोरल्स सॉरी कोरल्स लिव इन क्लिन वाटर ठीक है अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो, जा, हो जाए हो जाए उसको कोलर कोरल्स को हो जाए कहाँ पे सनलाइट को ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो उससे कोलर ब्लीचिंग होती है और अगर लो टाइड्स एक्सट्रीम लो टाइड्स होगी उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है ठीक है इन्वेसि एलियन स्पीशीज़ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में कुछ जानते हैं अगर इन्वेसि एलियन स्पीशीज़ के बारे में हम जानते हैं इन द शॉर्ट रन इट इंक्रीज़ द स्पीशीज़ रिचनेस शॉर्ट रन में जो है ये एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या है एक एकोसस्टम की क्या वहाँ पर शॉर्ट रन में एक स्पीशीज़ रिचनेस पैदा करती है बिकॉज द एक्सटर्नल जो ये स्पीशीज़ होते हैं जो डोमिनेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पर रिचनेस बढ़ती है बट ये इंक्रीज़ करता है कंपिटिशन अमंग द नेटिव एंड द एलियन स्पीशीज़ जो भी डोमिनेट स्पीशीज़ बाहर से आता है किसी भी पर्टिकुलर एको सिस्टम में ये जो है इंक्रीज करता है कंपटीशन बिटवीन द नेटिव एंड द एलियन स्पीशीज़ एंड अगर हम देखेंगे आइलैंड जो है वो मोर सबसे ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं किनको को एलियन स्पीशीज़ को क्यों ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं हमारे जो आइलैंड्स हैं बिकॉज आइलैंड्स में सबसे कम कंपटीशन होता है देर इज़ नो इन कंपटीशन इन आईलैंड एंड दीज आइलैंड आर मोर वर्नरेबल टू द इन्वेसि एलियन स्पीशीज़ ठीक है चलिए अब जानते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज में विद रेफरेंस टू द आईएफएडी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो रिसेंटली न्यूज़ में था अगर हम आईएफएडी के बारे में कुछ जानेंगे तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी यूनाइटेड नेशंस के अंदर और जो रिलीज़ करती है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करती है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वही रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था बिकॉज इसने सपोर्ट किया एक सेवन डेज सेवन प्लॉट प्रोग्राम को फॉर टीचिंग वुमेन फार्मर्स टू ग्रो डिफरेंट वेजिटेबल्स इंडियर ओन गार्डन फॉर सेल्फ़ कन्ज्पशन परपज़ज़ इस सेवन डेज सेवन प्लाट प्रोग्राम को इसने आई एफ ए डी ने सपोर्ट किया उसमें उन्होंने वुमेन्स फार्मर्स को डिफरेंट वेजिटेबल्स उनके गार्डनस में ग्रो करने के लिए कहा फॉर दिय सेल्फ कंजन और ये प्रोग्राम कहाँ पर लाया गया पहले हमारे इंडिया में किस जगह लाया गया मध्य प्रदेश में लाया गया और इसका मेन मोटो क्या था एक तो सलब कंजप्शन था डिफरेंट मटेरियल्स ग्रो करने और दूसरी चीज़ इंक्रीज होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और तीसरा चीज़ इसमें जो न्यूट्रिशन इंटेक है इंक्रीज़ न्यूट्रिशन इंटेक इन रूरल एरियाज़ जो भी आपके रूरल एरियाज़ है वहाँ पर आपको न्यूट्रिशन इंटेक कर न्यूट्रिशन इंटेक जो है वो इंक्रीज़ आपको करना है तो तीन चीज़ें की गई थी एक तो सेल्फ कंजप्शन जो वुमेन फार्मर्स को दिया गया था उनको जो वेजिटेबल्स ग्रो करने इन इंडियन गार्डन्स फॉर दियर सेल्फ कंजप्शन दूसरा क्या था इनको इंक्रीज़ करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और तीसरा क्या था इनको इंक्रीज़ करना है न्यूट्रिशन इंटेक इन कहाँ पर रूरल एरियाज़ मै सो द आंसर इज वन एंड टू बोथ आर करेक्ट अब हम बात करेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 और एक कौन सा रिपोर्ट था सेवनटीन रिपोर्ट वाज लेट इन जनवरी 2022 uh, 2001 में रिलीज होने वाला सॉरी 2021 में रिलीज होने वाला था और कोड की वजह से जनवरी 2002 में रिलीज हुआ और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन एन बाई एनुअल एक्सरसाइज और हर दो साल के बाद एवरी टू ईयर्स के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज़ करता है और इस साल के फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो हमने देखा दैट एरिया वाइज़ जो है मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री मध्य प्रदेश को लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है किस कहाँ पे एरिया वाइज़ मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री ठीक है अगर हम देखेंगे राइट नाफ फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर राइट नाउ इन इंडिया एंड दिस कैन बी आल्सो एस्क इन योर एग्जामिनेशन अगर हम देखेंगे जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ़ फॉरेस्ट है कम डाउन और मैक्सिमम रिडक्शन जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट काम पे होता है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है क्यों अरुणाचल प्रदेश में हुआ बिकॉज वहाँ पे क्या होता है जूम कल्टिवेशन और जूम कल्टिवेशन की कर, जैसे लम्बरिंग होती है और वहाँ पर मिनरल एक्सप्लाइटेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है ज़्यादा और उस चीज़ की वजह से यहाँ पे जो है मैक्सिमम रिडक्शन इन फॉरेस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है रिसेंटली जो कॉप ट्वेंटी सिक्स हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ट्वेंटी सिक्स हुआ था कहाँ पे हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था और इंडिया ने वहाँ पे क्लाइमेट को कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट इंडिया क्लाइमेट एक्शंस जो वहाँ पे थे उन्होंने अपना पंचमृत एक फाइव पॉइंट क्लाइमेट वो एक्शंस को कॉम्पेट करने के लिए पाँच पॉइंट्स रखे हैं और वो क्या क्या पॉइंट्स थे फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रीनील एनर्जी बाय दो हज़ार और 2030 तक 50% परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो इंडिया की होगी वो कहाँ से होगी रिन्यूएबल एनर्जी से होगी ठीक है दूसरा रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय वन मिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030 और वन मिलियन टन्स का रिडक्शन होगा किसमें किसमें कार्बन एमिशन में कब तक 2030 तक तीसरा इंडिया रीच करेगा 500 हंड्रेड गीगा वॉट नॉन फॉसियल एनर्जी कैपेसिटी बाई टू और 2030 तक इंडिया रीच करेगा 500 हंड्रेड गीगा वाट नॉन फॉसियल एनर्जी यूज़ करेगा कैपेसिटी किसके पास होगी इंडिया के पास और रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी लेस देन 45 फाइव परसेंट बाई टू और 2030 तक इंडिया ने ये भी कहा है कि हम कार्बन इंटेंसिटी जो है वो कम करेंगे नियर अबाउट कितना 45 परसेंट और इंडिया ने बोला कि हम बनेंगे कार्बन न्यूट्रल और हम करेंगे अचीव नेट जीरो अमीशन बाई टू थर्टी ठीक है दीज वर द फाइव पॉइंट्स दैट इंडिया पुट ऑन द कॉप ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी सिक्स एट ग्लासगो स्कॉटलैंड ठीक है इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका देखिए और एक टॉपिक है रिवर्सिटी अलायंस आपका जो रिवर्सिटी अलायंस है वो कौन लाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अलाग वि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड का अर्बन अफेयर्स और रिसेंटली जो है श्रीनगर में इसमें रिवर्सिटी अलायंस में ऐड किया गया था किसको श्रीनगर को ऐड किया गया था और प्रेजेंटली जो कितनी स्टेट्स है रिवर्सिटी अलायंस के अंदर प्रेजेंटली देर आर थर्टी स्टीज, स्टीज विच आर अंडर रिवर्सिटी अलायंस और रिसेंटली किसको गया लाया गया है रिवर्सिटी अलायंस के अंडर किसको लाया गया था श्रीनगर को ठीक है और ये रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर विद द विदॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ठीक है देखिए अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में और जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट 1972 है है इंपॉर्टेंट माना जाता एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में ठीक है एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये प्लेस करता है फॉरेस्ट को अंडर द द लिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पर्पज इट मीन जो फॉरेस्ट है वो किस में कंकरेंट लिस्ट में और जो फॉरेस्ट पे बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ठीक है जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेबलिशमेंट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और इसी जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बैक करता है को भी. और सेंट्रल जो अथॉरिटी करेंगे उसकी भी बैकिंग कहां से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन टू से और इसमें कुछ स्केजूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में स्केजल में है स्केजूल वन में यह है इट कवर्स एंडेंजर्ड दैट नीड डिग्रस प्रोटेक्शन वो सब स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज जो एक्सटेंट होने को है और उनकी रिग्रेस जो है प्रोटेक्शन uh, होनी चाहिए और स्केजल टू में एनिमल्स वो एनिमल्स है जो एकॉर्ड उनको एकॉर्ड किया गया है हाई प्रोटेक्शन के प्रोहिबिशन हाई प्रोटेक्शन विद द प्रोहिबिशन ऑफ दियर ट्रेड एनिमल जो है उनको भी एकॉर्ड किया जाता है हाई प्रोटेक्शन होनी चाहिए उन एनिमल्स को जो स्केजल टू में और उनकी ट्रेड पे भी प्रोहिबिट किया गया है और जो स्कीजुल थ्री एंड स्केजल फ़ोर है इनमें दो स्पीशीज़ डाले जाते हैं जो नॉट एंडेंजर्ड है जो कि एंडेंजर्ड नहीं है वो कहाँ पे आते हैं स्कीजुल थ्री और स्केजल फोर में अगर हम बात करेंगे स्केचुल फाइव के <coughs> स्कीजूल फाइव में क्या क्या आता है दोज दिस स्केजल कंटेन्स एनिमल दैट इज़ कंसिडर्ड एज वर्मिन और हम वर्मिन कि बोल किनको बोलते हैं वर्मिन वो स्मॉल Uh, ये है जैसे लाइक दैट ऑफ रैट्स एंड दीज स्मॉल एनिमल्स लाइक दैट ऑफ रैट जो uh, क्या करते हैं वो हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय करते हैं और डिजीज़ कंटेन करते हैं और उनको हम वर्मिन बोलते हैं और वर्मिन को किस में रखा गया है स्कैजूल uh, फाइव में अगर हम स्केजूल की सिक्स की बात करेंगे इट प्रॉयस फॉर रेगुलेशन इन कल्टिवेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड प्लांट एंड पोजिशन सेल एंड ट्रांसपोर्टेशन और वो प्लांट्स जिनकी कल्टिवेशन स्पेसिफाइड प्लांट्स की कल्टिवेशन पे रोक लगाई गई है ट्रांसपोर्ट पोटेशन या सेल की रोक लगाई गई है उनको हम किस में डालते हैं स्कैडूल सिक्स में डालते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स रिसेंटली इन द न्यूज इंटेंट्स टू क्रिएट बी फेंसेज टू स्टॉप एलिफेंट अटैक्स इन ह्यूमन हैबिटेशन यूजिंग हनी बीज ये पहला जो प्रोग्राम है ये लाया गया था आसाम में और रिसेंटली ये किसने लाया कर्नाटका गवर्नमेंट ने लाया है जो भी एलिफेंट अटैक्स होते ह्यूमन हैबिटेशन में और उनको हम <coughs> क्या करते हैं बी बी फेंसेज की वजह से उनको हम वो अटैक्स रोकते हैं और उस आ, जो प्रोजेक्ट लाया गया था वो प्रोजेक्ट कौन सा था प्रोजेक्ट रिहैब और प्रोजेक्ट रिहैब के अंदर हम स्टॉप करते हैं अल्फेंट अटैक्स इन ह्यूमन हैबिटेशन यूजिंग हनी बीज फैंसेज ठीक है देखिए बात करते हैं आप ग्लोबल मीथेन प्लेज की जो जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है ये लॉन्च किया गया था कॉप्स ट्वेंटी सिक्स हेल्ड एट ग्लासगो स्कॉटलैंड का कौ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ट्वेंटी सिक्स जो ग्लासगो में हुआ था इस साल तो वहाँ पे ग्लोबल मीथेन प्लेज लाया गया था और मीथेन क्या है आपका क्या है ग्रीन हाउस गैस है ठीक है ग्रीन हाउस आपका गैस है ठीक है इट्स मेन गोल इज़ टू रिड्यूस मीथेन इमिशन बाय अप टू थर्टी परसेंट बाई टू थाउजेंड थर्टी कम्पेयर टू द टू थाउजेंड ट्वेंटी लेवल और इसका जो मेन गोल है ग्लोबल मीथेन प्लेज का जो मेन गोल है इसका मेन गोल यही है कि आपको जो है आपको रिड्यूस करना है क्या रिड्यूस करना है मीथेन इमिशन अप टू कितने परसेंट बाई थर्टी परसेंट कब तक थर्टी टू थाउजेंड थर्टी तक और कंपेयर किसको किसके साथ किया जाएगा जो 2020 के लेवल्स तक था और इसका मतलब यह है कि वी हैव टू रिड्यूस द मीथेन एमिशन अप टू थर्टी परसेंट बाई टू थर्टी और ये जो एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका यूएसए का और यूरोपियन यूनियन का अभी तक इंडिया ने इसको साइन अप नहीं किया है जिसको ग्लोबल मीथेन प्लेज को अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस द अर्थ समिट आर करेक्ट अब बात करते हैं अर्थ समिट की और हमें देखना है इन चार स्टेटमेंट को स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट गलत है इट कंक्लूड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी एन अटेबल गोल फॉर अगर हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब पहली बार डिफाइन का किया गया था अर्थ समिट में डिफाइन किया गया था सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर हम दूसरी बात करेंगे इट ब्रॉट आउट एन एक्शन प्ले फॉर अ सस्टेबल फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ एजेंडा ट्वेंटी और अगर हम एजेंडा ट्वेंटी की भी बात करेंगे ये एजेंडा ट्वेंटी वन भी कहाँ पे लाया गया था अर्थ समिट में लाया गया था अगर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड एट एज समिट अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करेंगे वो भी कहाँ पर लाया गया था अर्थ समिट में ही लाया गया था और जो फ्यूचर वी वांट है जो फ्यूचर वी वांट कहाँ पर लाया गया था ये लाया गया था कॉप ट्वेंटी ट्वेल्व में जो रियो प्लस ट्वेंटी समिट में लाया गया था फ्यूचर वही वांट सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ समिट नाइनटीन उसको हम रियो समिट भी कहते हैं बिकॉज इट हैपन इन रियो जनेरियो दैट्स इन ब्राजील ठीक है अब बात करते खजान इकोसिस्टम की खजान इकोसिस्टम क्या है द एचूरन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस इन द फूड प्लेन्स ऑफ गोवा ये आपका रिसेंटली न्यूज़ में था और ये वो इको इकोसिस्टम है जो गोवा में प्रैक्टिस किया जाता है और जो गोवा में एचूरीन एग्रीकल्चर में जो गोवा में प्रैक्टिस किया जाता है एग्रीकल्चर एक, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं खजान इको सिस्टम अब बात करेंगे हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जो एन टी सी ए टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश किया गया था इन कंकरेंस विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर सेक्शन 38 सेक्शन 38 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के अंदर ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को लाया गया था और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन है वो बैक किसको करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को देखिए इट इज़ इंट्रेस्ट विद द टास्क ऑफ एड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व जो कि टाइगर रिजर्व के अराउंड जो न, आ, पीपल है जो वहाँ पे एरिया है लोकल पीपल है उसको एड्रेस करते हैं क्या लाइवलीहुड इंटरेस्ट किसके अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर ठीक है द बाउंड्री ऑफ अ टाइगर रिजर्व कैन बी ऑल्टर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बाउंड्री है किसकी टाइगर रिजर्व की वो ऑल्टर की जाती है चेंज की जा सकती है किसकी सिर्फ किसकी रिकमेंडेशन पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंदर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 38 के अंदर और जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन वो बैक किसको करता है जुई अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी ठीक है अगर हम बात करेंगे अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी के बारे में जो सीबीडी है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक लीगली बाइडिंग ट्रीटी है और इसको कहाँ कहाँ किसके अंडर लाया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर लाया गया था और यूएनईपी सीबीडी को ऑपरेट करता है और इसको क्यों लाया गया था टू कंज़र्व बायोडाइवर्सिटी और इसको लाया गया था 1993 में अगर हम देखेंगे इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव है क्या क्या इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव है द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक तो हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करता है करना है दूसरा द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डिस्टवरी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दो भी कंपोनेंट्स हैं उसको सस्टेनेबल यूज में तरीके में यूज़ करना है और जो तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा एम जो है सी का वो है द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयर होने चाहिए मेंबर कंट्रीज़ में हर एक में जो बेनिफिट अराइज होते हैं पे यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी जेनेटिक रिसोर्स हम यूटिलाइज करते हैं उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए और ये तीन एम्स है किसकी सी की ठीक है यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी है जैसे कि कार्टिजना प्रोटोकॉल ये कार्टिजना प्रोटोकॉल एडोप्ट कब किया गया था 2000 में और इनटू फोर्स कब आया 2003 में देखिए जो प्रोटोकॉल है ये सी करता है टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कार्टिजना प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना है हमें हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और जो पोटेंशियल रिस्क है जो पोज करते कौन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और मॉडिफाइड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो भी पोटेंशियल रिस्क आते हैं उनको हमें बचाना उनसे हमें बचाना है कि हम अपनी बायोडावर्सिटी को एंड दैट कम्स अंडर द काटीचिना प्रोटोकॉल और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल नगोया प्रोटोकॉल क्या है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्राम द यूटिलाइजेशन जो भी आ, हमारी जेनेटिक रिसोसेज है उसमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट जो इन से अराइज़ होती है तीसरा क्या है तीसरा हमारा है ए की टारगेट्स ए की टारगेट्स क्या होती है ये वो बीस टारगेट्स यहाँ पे सेट किए गए थे जिनकी वजह से हमें मिनिमाइज करना है क्या हमारा लॉस टू तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें मिनिमाइज करना है और हमें रेज करना है अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड पॉलिसी द मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड हेरीटेज फॉरेस्ट कार्बन सिंक्स अंडर प्रेशर रिपोर्ट और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज़ की है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन सिंक्स अंडर प्रेशर रिपोर्ट वो किसने किया है यूनिस्को ने किया है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने आपका जो रिसेंटली रिलीज़ किया है क्या है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट कार्बन सिंक अंडर प्रेशर रिपोर्ट ठीक है देखिए एक और क्वेश्चन है द कॉन्प्ट ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एन्वायरमेंटल एसिड्स थ्रू ग्रॉस एन्वायॉयरमेंटल प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूसड बाय वी स्टेट ऑफ द कंट्री कौन ने किया है उत्तराखंड ने किया है उत्तराखंड ने क्या किया है इन्होंने किया है द वैल्यू ऑफ द इन्वायरमेंट एसिड्स जो हमारे इन्वायरमेंट एसिड्स के वैल्यूज है ग्रॉस इवायरमेंट प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस किया है कहाँ पर उत्तराखंड में सो so एक दानसेप्ट है द मेजरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंट हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ द इनवायरमेंट एसिड्स थ्रू ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट ये इंट्रोड्यूस किया है किस स्टेट में उत्तराखंड स्टेट में ठीक है अब जानते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो आपके न्यूज़ में थे पहले हम कुछ जानते हैं डिगोंग्स के बारे में जो ये डिगोंग्स है उनका लाइफ स्पैन कितना होता है सेवेंटी ईयर्स इनका लाइफ स्पैन होता है और इनका आयू सी एन स्टेटस क्या है इनका आयु स्टेटस है वर्नरेबल ये आयु सीन आयु सी एन स्टेटस क्या है इनका वर्नरिबल और इन द स्टेट दीज डिगोंग्स आर द स्टेट एनिमल्स ऑफ अंडोमारे निकोबार आइलैंड्स के स्टेट एनिमल है कौन है डिगोंग ठीक है और जो है डुगोंग्स को क्या बोलते हैं उनको सी का भी बोलते हैं और ये बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ स्पीशीज उनको हम मैनेटीज बोलते हैं सो so, आपको इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है डिगोंग्सर आल्सो नोन एज उनको हम सीकाउस बोलते हैं और इनका आयु आईयूसीएन स्टेटस क्या है वल्नरेबल है और इनको है? स्टेट, एन, स्टेट एनिमल किसका माना जाता है ये दीज आर द स्टेट एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखिए ये है आपका डिगोंग क्लाउडेड क्लाउड लेपर्ड के बारे में जानते हैं और ये क्लाउड लेपर्ड का आयु यू एन आयु सी एन स्टेटस है वो भी क्या है वनरियेबल और क्लाउड लेपर्ड का स्टेटस क्या है आयु सी एन स्टेटस वनबल ठीक है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बिकॉज दिस वॉज इन द न्यूज़ क्लाउड लेपर्ड जानते हैं कुछ अब किसके बारे में देहांग पटकाई नेशनल पार्क जो ये देहांग पटकाई नेशनल पार्क है ये सेवंथ नेशनल पार्क बन गई किसकी आसाम की और ये जो देहांग नेशनल पटकाई नेशनल पार्क है ये इस इट इस ड्रेन बाय दिराक एंड बुरी देहांग रिवर्स इसको ड्रेन करते हैं इसमें एक लार्जेस्ट कंसट्रेशन ऑफ़ द रियर वट विंग वुडन डक पाया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन यहाँ पे होती है और इसका स्टेटस क्या है एंडेंजर्ड स्टेटस है इसका किसका वाइट विंगड वुड डक का और एक किस में पाया जाता है देहांग पटकाई नेशनल पार्क में ये बन गई सन्त नेशनल पार्क इन आसाम और वहाँ से दो रिवर्स निकलते ओते दिराक निकलता है बुरी देहांग निकलता है अब नासा में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ कितनी जो नेशनल पार्क से आसाम है सेवन नेशनल पार्कस से नाउन आसाम कौन कौन से है? एक तो काजीरंगा है मानस नमीरी औरंग दिब्रू शिकुआ रेमोना और देहांग पटकाई आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है विच द फॉलोइंग बिकेम द सेवन नेशनल पार्क ऑफ आसाम और वो कौन से देहांग पटकाई नेशनल पार्क बिकेम द सेवन नेशनल पार्क ऑफ आसाम देखिए अब हम बात करेंगे एक और एक्वेटिक एनिमल के बारे में जिसको हम नॉर्दर्न रिवर रिवर टेरेपियन भी बोलते हैं और बदागुर बास्का भी बोलते हैं और इसको हम रिवरियन टर्टल भी बोलते हैं और ये कहाँ पे पाई जाती है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाई जाती है और एक कहाँ पे होती है गेंजेटिक गेंजेटिक ब्रह्मपुत्र बेसन में इसको पाई जाती है कौन से नॉर्दर्न रिवर टेरेपियन और बदागोर बास्कर को ठीक है ये इसका जो आई यू सी एन स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है किसका नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन का ठीक है ए कंजर्वेशन प्रोग्राम इज बिंग रन इन सुंदरबन टाइगर रिजर्व एम टू एट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्पीशीज सुंदरबन टाइगर रिजर्व में एक जो कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो किसके बारे में चलाया जा रहा है बतागुर बास्का के बारे में सो टू कंजर्व दिस नॉर्दर्न रिवर टेरापिन दैट बतागुर बास्का और द रिवेन टर्टल और इसका जो आयु स्टेटस पूछा जा सकता है उसका स्टेटस क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखिए मुरा दरावा दनूब बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर ये यूरोप में है इसीलिए हम इसको अमेजान ऑफ यूरोप बोलते हैं क्यों इसको अमेजान यूरोप अमेजान ऑफ यूरोप बोलते हैं बिकॉज द यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो मुरा दरावा दनूब को है डेजिग्नेट किया है एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ल्ड की फर्स्ट फाइव कंट्री बायो वर्ल्ड की फर्स्ट फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन बन गई मुराद्रा दनूब बायोस्फीयर रिजर्व और इट नाउ फॉर्म द लार्जेस्ट प्रोटेक्ट एरिया इन यूरोप इसको अब यूरोप का लार्जेस्ट प्रोटेक्ट एरिया माना जाता है और इसको क्या बोलते हैं हम एमेजन ऑफ यूरोप द रिजर्व इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यून इकोसिस्टम कंस्ट ऑफ ऑक्सबो लेक्स है इसमें रेवेन्यू आईलैंड है और सैंड बैंक है अगर हम देखेंगे इन इस मुराद्रावा दनूब बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सी पांच कंट्रीज आती है कौन कौन सी आती है अगर हम देखेंगे मैप में हम देखेंगे ठीक है देखिए द तो फाइव कंट्री दनूप, एक तो मोरा आती है ऑस्ट्रिया कौन सी आती है ऑस्ट्रिया आती है आती है हंगरी आती है क्रोशिया आती है और कौन सी आती है सर्बिया भी आती है सो so, सर्बिया इज वन क्रोशिया इज ट्रू हंगरी आती है इसमें स्लोवेनिया आती है और ऑस्ट्रिया आती है और आप देखोगे यह है मुरा द्रावा एंड दिस इज धनुब एंड दिस बिकम्स द वर्ल्ड फर्स्ट फाइव कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व और इसको हम Amazon ऑफ़ Europe भी कहते हैं और इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज आती है सर्बिया आती है इसमें करोशिया आती है हंगरी आती है स्लोवेनिया आती है और ऑस्ट्रिया आती है ठीक है कुछ जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में किसके बारे में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ जानते हैं ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको हम बोलते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ राजस्थान किसका स्टेट बोर्ड है राजस्थान का स्टेट बोर्ड है और इसका जो आयु रेड लिस्ट में स्टेटस है वो क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है और लोकली इसको राजस्थान में हम गोदावन भी बोलते हैं और इसको फाउंड किया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क में और इस इस डेजर्ट नेशनल पार्क में एक ग्रास होती है जिसको हम टस्की ग्रास भी बोलते हैं ठीक है थीके? और जो स्टेटस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये किसका स्टेट एनिमल है राजस्थान का स्टेट एनिमल है लोकली इसको गोदावन भी बोलते हैं और ये फाउंड जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क में सो दिस कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन द फॉलोइंग जीन बैंक्स जूज नेशनल पार्क बोटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ठीक है अगर हम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिवन अबाउ आर कॉल्ड इंसिटू कंजर्वेशन ऑफ बायो डायवर्सिटी इंस्टीट्यू ऑर एक्सटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी अगर हम जींस बैंक्स की बात करें जीन्स बैंक्स क्या है एक्सटू ज़ूज़ क्या है एक्सीटू बॉटनिकल गार्डन्स क्या है ये भी है एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायो डायवर्सिटी अगर हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की ये क्या है इंस्टीटू कंजर्वेशन ऑफ़ बायो डाइवर्सिटी कौन कौन सी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ सो थ्री एंड फाइव आर करेक्ट अगर हम बात करेंगे हम इंसिट्यू और एक्सीट्यू कंजर्वेशन होता क्या है अगर हम इंसिट्यू की बात करेंगे इंसिट्यू कंजर्वेशन होता है जहाँ पे हम कंजर्व करते हुए एनिमल्स और प्लांट्स को इनके नेचुरल हैबिटेट में उनको हम कंजर्व करते हैं जैसे नेशनल पार्कस है वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज़ है बायोस्फीयर रिजर्व है रिजर्व फॉरेस्ट है प्रोटेक्टेड ए फॉरेस्ट है उनको हम क्या बोलते हैं इंसट्यू इंस्टिट्यू कंजर्वेशन अगर हम एक्सीट्यू कंजर्वेशन की बात करते हैं इनमें हम कंजर्व करते हैं बायोडावर्सिटी उनके आउटसाइड एरियाज़ के जहाँ पर वो नेचुरली ऑकर करते हैं बट उस एरिया से बाहर उनको हम कंजर्व करते हैं जैसे जीन बैंक्स होते हैं जूज होते हैं और बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं इनको हम एक इंस्टिट्यू और एक्सट्यू क्या बोलते हैं कंजर्वेशन मेथड्स बोलते हैं ठीक है आपका यहाँ पे आप जो लास्ट टॉपिक है दैट्स रिलेट द केसरी हिंद केसरी हिंद क्या है ये एक बटरफ्लाई है और ए स्टेट बटरफ्लाई है किसकी अरुणाचल प्रदेश की ठीक है और इट इस फाउंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया इसको कहाँ पे फाउंड किया जाता है एक तो इंडिया में फाउंड किया जाता है इसको और साउथ ईस्ट एशिया में फाउंड किया जाता है इट इज़ प्रोटेक्ट अंडर स्कीडूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में टू में और इसको कहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्केजूल टू में इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसको केसरी दी� हिंद को आपको इसका पूछा जाएगा कि वट मे बी यू कैन बी आज दैट द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज केसर हिंद एंड इट्स प्रोटेक्ट अंडर स्केड्यूल टू ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू इट्स फाउंड इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया दिस इज योर केसर हिंद बटरफ्लाई सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर सो आई होप देट आपको पसंद आया होगा लेक्चर जो भी मैंने पढ़ा है इसमें ले टू द करंट एज वेल एज द स्टैटिक पार्ट लेट्स मीट अगेन इनशा अल्लाह हाफिज